रांची जिले के मांडर के मिशन स्थित शंकर एंड सन्स ज्वेलर्स में 11 फरवरी को 65 लाख की ज्वेलरी लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने ज्वेलरी भी बरामद कर ली है और 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ज्वेलरी की दुकान में लूट की घटना को अरगोड़ा करू के मुआ अमिर उर्फ रॉक, मो आकिब खान उर्फ टोपी पकिया एवं कान के चूड़ी टोला के मो साबिर उर्फ दाऊद खान ने अंजाम दिया था। इनकी निशानदेही पर ज्वेलरी की दुकान से लूटे गए 9 किलो चांदी, 255 ग्राम सोना, 7000 नगद के साथ पुलिस ने अपराधियों के पास से 4 मोबाइल, एक देसी सिक्सर व 5 कारतूस बरामद किया है। ये जानकारी मंगलवार को रांची के SSP किशोर कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। देखिए, दिनांक 11/2/23 को समय तकरीबन 2:30 बजे मांडर थाना अंतर्गत मिशन चौक के पास एक ज्वेलरी शॉप से लूट की घटना 3 अपराध कर्मियों के द्वारा कारित की गई थी हथियार के बल पर, जिसमें उस ज्वेलरी शॉप से सोना चांदी की ज्वेलरी और कैश की भी लूट की गई थी। इस संदर्भ में कांड तत्काल दर्ज किया गया और दर्ज करने के पश्चात एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में किया गया और इस पूरी टीम को DSP खिलारी लीड कर रहे थे, जिसमें थाना प्रभारी और उनके थाने के अन्य पदाधिकारी एवं टेक्निकल सेल की टीम भी काम कर रही थी। और मानवीय आसूचना एवं तकनीकी आसूचना के आधार पर 3 अपराध कर्मियों की, जो इसमें संलिप्त थे, गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद आमिर अंसारी, मोहम्मद आकिब खान, मोहम्मद साबिर उर्फ दाऊद खान। इसमें से 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी अरगोड़ा थाना क्षेत्र से हुई है और 1 अपराध कर्मी की गिरफ्तारी कांके थाना क्षेत्र से की गई है। इनके पास से जो कुल बरामदगी हुई है वो सोने की जो गोल्ड ज्वेलरी थी वो लगभग 250 ग्राम से अधिक मात्रा में है, चांदी लगभग 9 किलो से अधिक मात्रा में है, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी है, मोबाइल फ़ोन्स भी इनके पास से 4 बरामद हुआ है और जो हथियार इसमें प्रयुक्त हुआ था इसमें 1 हथियार भी बरामद हुआ है, साथ ही कुछ जिंदा कारतूस भी इनके पास से बरामद किया गया है। अगर इनके आपराधिक इतिहास की बात करें तो इनमें से 3 का ही पहले से आपराधिक इतिहास अभी तक जो हम लोगों को प्राप्त हो पाया है, उसमें जो आकिब है वो पहले भी अरगोड़ा थाना क्षेत्र से 2019 में एक हत्याकांड में, जो दानिश हत्याकांड के नाम से उस समय कुख्यात हुआ था, उस हत्याकांड में पहले भी ये न्यायिक हिरासत में जा चुका है। आमिर जो है वो भी सेम हत्याकांड में 2019 में जेल गया था और 2017 में एक निजी वित्तीय कंपनी में डकैती करने के अपराध में भी उसे जेल भेजा गया था। मोहम्मद साबिर वो भी अनगढ़ा थाना से एक लूट के मामले में 2018 में जेल जा चुका है और 2020 में भी एक ट्राम सैक के मामले में जेल जा चुका है। इन तीनों ने जो रातू थाना क्षेत्र में भी एक घटना घटित हुई थी, तकरीबन 6 महीने पहले एक ज्वेलरी शॉप ओनर की हत्या कर दी गई थी लूटपाट के दौरान, उस मामले में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जिसके संदर्भ में अभी हम लोग रिमांड में लेकर के और विस्तृत पूछताछ करेंगे। जी, अभी जो हम लोगों को जो अभी तक प्राथमिक पूछताछ में जो बात सामने आई है उसमें इन तीनों के मध्य ही आपस में इसका बंटवारा कर दिया गया था। बीच में ये लोग राज्य से बाहर भी गए थे और वहाँ जाकर के भी इसे खपाने की कोशिश की और कुछ लोगों से ये लोग संपर्क में थे, कुछ ज्वेलरी वालों से। उसमें एक अच्छी बात ये भी रही है कि कुछ ज्वेलरी शॉप वालों से उन्होंने संपर्क किया परंतु उनके द्वारा बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं दिया गया, लेकिन इसके बावजूद इनके द्वारा लगातार संपर्क किया जा रहा था। तो हम लोग उसकी भी तफ्तीश करेंगे कि जो भी लोग इस प्रकार के धंधे में शामिल हैं, जो इस प्रकार के चोरी के सामान को खरीदते हैं, जो इनके माध्यम से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसका हम लोग सत्यापन करेंगे और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।